Good morning students and my dear friends I'm Dr Shalini Shukla and today is 17th of August 2022 Wednesday motivation of the day is the road to success and the road to failure are almost exactly the same आज के डिस्कशन में हम ये सारे न्यूज़ आर्टिकल कवर करेंगे तो देख लेते हैं आज का पहला न्यूज़ आर्टिकल जो कि बिजनेस स्टैंडर्ड के पेज नंबर एक पर दिया हुआ है और इसके ही साथ हम पेज नंबर छः पर दिया हुआ आर्टिकल भी कवर करेंगे दोनों ही आर्टिकल बैंक से रिलेटेड हैं तो देख लेते हैं पहला आर्टिकल क्या है बैंक रश टू वो डिपॉजिटर्स अहेड ऑफ फेस्टिवल सीजन जैसा कि हम सभी जानते हैं इंडिया में फेस्टिवल सीजन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि सेप्टेम्बर के मंथ से स्टार्ट होकर के ऑलमोस्ट दिसंबर तक चलते हैं और इस ड्यूरेशन में अप्रॉक्सीमेटली सभी सेक्टर में हमें बूम देखने को मिलता है डिमांड में इंक्रीज़ देखने को मिलता है चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो, या बैंक सेक्टर हो, फाइनेंशियल इंडस्ट्री हो किसी में भी और जिस तरीके से रीसेंट टाइम में इंडियन बैंकिंग सेक्टर में डिपॉजिट्स और क्रेडिट को लेकर के इम्बैलेंसेस क्रिएट हुए हैं उसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर या जो बड़े बड़े लार्जेस्ट बैंक हैं इंडिया के दे आर प्रिपेयरिंग दमसेल फॉर अपकमिंग फेस्टिवल सीजन क्या की इशू है यहाँ पर अगर आप रेगुलरली न्यूज़ चैनल फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा रीसेंट टाइम में कुछ टाइम में हमने डिस्कस किया था कि जो डिपॉजिट रेट है इंडियन बैंकिंग सेक्टर में वो क्रेडिट रेट से फॉल कर रहा है इट मीन्स डिपॉजिट रेट आर डिक्रीजिंग बट द डिमांड फॉर क्रेडिट इज़ इंक्रीजिंग क्रेडिट को लेकर के लोन की डिमांड इंक्रीज कर रही है लेकिन जो डिपॉजिटर्स हैं वो अब अपना कम पैसा बैंक्स में डिपॉजिट कर रहे हैं और किसी भी बैंक के लिए इवन किसी भी कंट्री में किसी भी बैंकिंग सेक्टर के लिए एक सफिशेंट इफेक्टिव ऑप्टिमम डिपॉजिट रेट होना बहुत ज़रूरी है तभी बैंक्स के पास पैसा होगा कि वो क्रेडिट दे पाएँ बैंक्स कहाँ से क्रेडिट देते हैं एक तो उनके पास अपना कैपिटल होता है दूसरा जो डिपॉजिटर्स पैसा डिपॉजिट करते हैं उसी फंड को जो बैंक्स हैं वो क्रेडिट के फॉर्म में लेंड करते हैं और अगर डिपॉजिट रेट डिक्रीज़ हो रहा है तो डेफिनेटली बैंक्स की जो लेंडिंग कैपेसिटी है वो भी डिक्रीज़ होगी और जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि फेस्टिवल सीजन में लोन की जो डिमांड है वो इंक्रीज होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा परचेजिंग बढ़ जाती है सेल बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ द फेस्टिव सीजन तो जो कंज्यूमर्स होते हैं वो लोन लेते हैं और कई सारे नए असेट्स भी खरीदते हैं उस ड्यूरेशन में तो इसीलिए अपकमिंग क्रेडिट डिमांड को सेशिएट करने के लिए अपकमिंग क्रेडिट डिमांड को फुलफिल करने के लिए जो बैंक्स हैं बड़े बड़े बैंक्स हैं कंट्री के दे आर कमिंग अप विद अ स्ट्रैटी फॉर बूस्टिंग द डिपॉजिट्स जिससे कि उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा डिपॉजिट आए और वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट दे पाए और अगर जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल कंट्री के सबसे बड़े लेंडर एसबीआई की बात करें तो एसबीआई ने लॉन्च किया है एक 75 डे उत्सव डिपॉजिट स्कीम इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करने के लिए कि हम ये बोल सकते हैं कि उसके उपलक्ष्य में एसबीआई ने पचहत्तर दिन का एक उत्सव डिपॉजिट स्कीम ऑफर करी है जिसके तहत 6.10 परसेंट का फिक्स इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहा है ऑन ऑल एफडीआर डी आर जितने भी फिक्स डिपॉजिट रिसीट्स हैं उन पे अप्रॉक्सीमेटली 6.10 परसेंट का इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहा है एसबीआई अगर हम बात करें करंट इंटरेस्ट रेट की तो करंट जो इंटरेस्ट रेट है प्रवेलिंग इंटरेस्ट रेट है एफ पर वो अप्रॉक्सीमेटली फोर टू फाइव है और कोविड के ड्यूरेशन में ये और ज़्यादा डिक्रीज हो गया था और इसी वजह से जो डिपॉजिटर्स हैं दे आर एक्चुअली इन्वेस्टिंग देयर मनी इनटू सम अदर एवेन्यूज रादर देन गोइंग थ्रू गोइंग इनटू द बैंक्स एंड मेकिंग इट एन एफडी तो जो एस बी आई ने रिसेंट स्कीम लॉन्च करी है सेवेंटी फाइव डे की उत्सव डिपॉजिट स्कीम इसके तहत सिक्स पॉइंट वन परसेंट का इंटरेस्ट रेट इसी तरह से जो सीनियर सिटीजन हैं से, उनके लिए जीरो पॉइंट फाइव परसेंट का इंटरेस्ट रे, रेट एडिशनल इंटरेस्ट रेट ऑफर किया है एस बी आई ने अनटिल अक्टूबर 30 सेम स्ट्रेटेजी हैज बीन अडॉप्टेड बाय बैंक बैंक ऑफ ऑफ बड़ौदा बड़ौदा ने भी बड़ौदा तिरंगा डिपॉजिट स्कीम लॉन्च करी जिसके तहत अप्रॉक्सीमेटली 5.75 परसेंट का इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा कितने दिन के लिए चार सौ चवालीस दिनों के लिए और छह परसेंट का इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहा है पाँच सौ पचपन दिन के लिए और ये स्कीम डिसंबर थर्टी फर्स्ट तक एप्लीकेबल होगी और वो सारे डिपॉजिटर्स के लिए जो कि दो करोड़ से नीचे का डिपॉजिट करते हैं सीनियर सिटीजन को एडिशनल इंटरेस्ट रेट मिलेगा इसी तरीके से कैनरा बैंक ने भी अप्रॉक्सिमेटली छः सौ छः दिन का डिपॉजिट स्कीम लॉन्च करी है विद सिक्स परसेंट रेट सो ऑल दीज स्ट्रेटेजीज़ आर बीइंग अडॉप्टेड बाय द बैंक्स बैंक्स इस तरह की डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटजीज अडॉप्ट कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स ऑफर कर रहे हैं इंडिविजुअल बोरोस को इंडिविजुअल डिपॉजिटर्स को कि वो डिपॉजिट करें और डिपॉजिट रेट इंक्रीज़ हो जिससे कि जो बैंक है अपकमिंग टाइम में फेस्टिव सीजन में लोन की डिमांड को पूरा कर सकें हालांकि इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशन की वजह से फेस्टिव सीजन की वजह से ये इंक्रीज़ देखने को मिला है लेकिन जो रिसेंट आर ने डिसीजन लिया था फिफ्टी बेसिस पॉइंट का रेपो रेट इंक्रीज़ करने का उसके बाद से भी कई सारे बैंक्स ने अपने जो फिक्स डिपॉजिट रेट्स हैं उनको रिवाइज करके इंक्रीज़ किए थे चाहे वो इंडियन ओवरसीज़ बैंक हो इंडियन बैंक हो कोटक महिंद्रा बैंक हो उज्जैन उज्जैन स्मॉल फाइनेंस बैंक हो सब ने अप्रॉक्सीमेटली अपने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ किए थे एफ पर तो बैंक्स आर ट्राइंग टू कैप्चर trying ट्राइंग टू टैप द पोटेंशियल ऑफ अपकमिंग फेस्टिव सीजन offering ऑफरिंग द interest इंटरेस्ट रेट us see कि जो इस बार की फेस्टिव सीजन रहता है उसमें कितनी डिमांड बूस्ट होती है और इकोनॉमी की ग्रोथ इकोनॉमी को कितना हेल्प मिलती है आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप जो कि पेज नंबर छः पर दिए हुए नेक्स्ट न्यूज उसको भी हम यही कवर कर लेते हैं बैंक्स नाउ इन बेटर पोजिशन टू मैनेज द इंटरेस्ट रेट रिस्क पैंडमिक के डूरेशन में बैंक्स की जो पोजिशन थी वो बहुत ज़्यादा खराब हुई थी बोलते हैं, बोल हैं फाइनेंशियल जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत अच्छी नहीं रही हालांकि इस ड्यूरेशन को सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट ने यूज़ किया इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द इंडियन बैंकिंग सेक्टर पेंडेमिक के ड्यूरेशन को यूज़ किया गया बैंक्स की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए लेकिन अभी जबकि आर जो है वो मॉनिटरी पॉलिसी टाइटनिंग पर जा रहा था फॉर मोस्ट ऑफ द इंडियन बैंक वन ऑफ द मोस्ट एस्टानिशिंग चैलेंज इज़ टू navigate the high degree of interest rate exposure that stem from regulatory requirement to hold the government securities तो जिस तरीके से सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग पर जा रहा है और हम सभी जानते हैं जो कि बैंक की, की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स उनको पता होगा कि कुछ फॉर्म में जितने भी कमर्शियल बैंक्स होते हैं शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनको कुछ फॉर्म में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को रखना अपना जो कैपिटल है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में रखना होता है उनको कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है कि उनको इतने परसेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होल्ड करनी है तो जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो बैंक्स के लिए भी ये चैलेंजिंग हो रहा है कि हाई इंटरेस्ट रेट पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को मेंटेन करना हालांकि जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि अगर हम करंट इंटरेस्ट रेट की साइकिल को देखें या करंट पोजीशन को देखें या कर पॉलिसी टाइटनिंग की साइकिल को देखें तो उसके कंपेरिजन में बैंक्स आर आर इन मच बेटर पोजिशन देन दे वर यूज टू इन द पास टाइटनिंग साइकिल्स

क्योंकि होता क्या अगर मैं आपको नॉर्मल सिनेरियो बताऊं तो जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग पर जाता है और जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मेंटेन करनी पड़ती है अपना कुछ पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में पार्क करना पड़ता है तो बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इंटरेस्ट रेट ऑफ बाई आर उसका इम्पैक्ट जो है वो बॉन्ड प्रॉफिटेबिलिटी पर पड़ता है हम बोले बॉन्ड की ईल पर बॉन्ड प्राइस पर पड़ता है बॉन्ड हेयर मीन्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की हम बात कर रहे हैं और अगर कमर्शियल बैंक्स एक सर्टेन अमाउंट का गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखते हैं तो डेफिनेटली उनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो इम्पैक्ट करती है बिकॉज ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग डन बाय आरबीआई तो उसी को लेकर के रिसेंट टाइम में हमने हमने डिस्कस भी किया था कि आर ने फिफ्टी बेसिस पॉइंट से रेपो रेट इंक्रीज़ किया है जिसका इम्पैक्ट हमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की ईल्ड और इंटरेस्ट रेट पर देखने को मिलेगा और जो बैंक्स हैं वो एक इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट्स हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी और बॉन्ड मार्केट में तो डेफिनेटली उससे जो बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी है वो इम्पैक्ट है, है तो ओवरऑल यही समरी है इस पर्टिकुलर न्यूज की बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर टू दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर फोर ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड होलसेल इन्फ्लेशन एट फाइव मंथ्स लो इन जुलाई सो तो फाइनली जो डब्ल्यू पी आई है दैट इज जी हम उसको बोलते हैं होल सेल प्राइस इंडेक्स उसमें कुछ फॉल देखने को मिला है पैंडमिक के ड्यूरेशन में अगर हम पैंडामिक के पीरियड से स्टार्ट करें तो पैंडामिक के ड्यूरेशन से लेकर के अभी तक इंडिया में जो डब्लू है वो डबल डिजिट में चल रहा था हालांकि जो आर अपना इन्फ्लेशन का टारगेट सेट करता है वो सी के बेस पर करता है ना कि डब्लू के बेस पर कर। सी पी आई स्टैंड फॉर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बट डेफिनेटली डब्ल्यू पी आई का इम्पैक्ट सी पी आई पर ज़रूर पड़ता है हम ये नहीं कह सकते कि सी पी आई जो है वो वैक्यूम है डब्लू पी आई से डब्लू पी आई और सी पी आई को रिलेट कहीं ना कहीं करते हैं अगर डब्लू पी आई बढ़ रहा है तो उसका इम्पैक्ट आगे हमें कुछ मंथ्स में सी पी आई पर भी देखने को मिलेगा तो पिछले कुछ टाइम से कपल ऑफ मंथ से जो इंडिया में डब्ल्यू पी आई होल सेल प्राइस इंडेक्स वो डबल डिजिट पर था बट अभी रिसेंटली जुलाई का डेटा जो पब्लिश हुआ है अगर उसको देखा जाए तो फिलहाल के लिए इंडिया में होल सेल जो इन्फ्लेशन है वो जुलाई के मंथ में ईज होती हुई दिख रही ईज टू फाइव मंथस लो होती हुई दिख रही जुलाई के मंथ में अप्रॉक्सीमेटली थर्टीन पॉइंट नाइन थ्री परसेंट का डब्ल्यू पी आई देखने को मिला रीजन बिहाइंड इट वेजिटेबल मिल्क फ्यूल के जो प्राइस हैं वो कम हुए हैं जिसकी वजह से जुलाई मंथ का जो डब्ल्यू पी आई वो थर्टीन पॉइंट पर आ गया है हालांकि लगातार सोलहवें महीने में ये अभी भी डबल डिजिट में बना हुआ है जून के महीने में जो डब्लू पी आई इन्फ्लेशन थी वो अप्रॉक्सिमेटली फिफ्टीन पॉइंट वन एट परसेंट थी एंड इफ़ यू रिमेंबर मे के मंथ में डब्ल्यू पी आई ने रिकॉर्ड हाई रजिस्टर किया था दैट इज सिक्सटीन पॉइंट सिक्स थ्री परसेंट तो मे में सिक्सटीन पॉइंट सिक्स थ्री जून में फिफ्टीन पॉइंट वन एट और फाइनली जुलाई में इट हैज़ रीच्ड अप टू थर्टीन पॉइंट फोर थ्री परसेंट तो जो, जो जुलाई की इन्फ्लेशन अगर हम बोलेंगे कि 13.43 परसेंट जो आई है वो प्राइमरली बिकॉज ऑफ मिनरल ऑयल्स फूड आर्टिकल्स क्रूड पेट्रोलियम नेचुरल गैस बेसिक मेटल इलेक्ट्रिसिटी केमिकल केमिकल प्रोडक्ट्स फूड प्रोडक्ट्स इन सब में इंक्रीज की वजह से 13.43 परसेंट का हमें जुलाई का इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है माइंडेड स्टूडेंट दिस इज डब्ल्यू पी प्राइस इंडेक्स मेनी ऑफ यू माइट बी नोइंग अबाउट होल प्राइस इंडेक्स आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं वॉट इज दिस होल प्राइस इंडेक्स और होलसेल, इन्फ्लेशन, सो दिस इज ऑफ कंफर्ट ऐसा किया जा रहा है कि अगर डब्ल्यू पी आई मॉडरेट कर रहा है एज आउट कर रहा है तो आगे आने वाले टाइम में इसका इंपैक्ट हमें सीपीआई पर देखने को मिलेगा प्रोबेबली जो सीपीआई है वो आरबीआई की टॉलरेंस लिमिट पर आ जाए या टॉलरेंस लिमिट के नीचे आ जाए और कई सारे एक्सपर्ट का यह कहना भी है कि सेप्टेंबर एंड तक जो इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है वो थोड़ी सी रिजॉल्व हो सकती है हालांकि फिलहाल के लिए अगर हम देखें तो जो फूड प्रोडक्ट कंपनीज हैं उन्होंने अभी फिलहाल के लिए अपने प्राइस इंक्रीज कर दिए हैं एमिट हाई डब्लू अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर थ्री दैट इज़ ऑल्सो गिवेन ऑन पेज नंबर फोर ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड इंडिया पार्क बॉन होमी एट डब्ल्यू ब्लॉसम्स भले ही इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो रिलेशनशिप है वो इम्प्रूव ना हो रहे हों पर्सनल लेवल पे लेकिन अगर मल्टी फोरम की बात करें मोर स्पेसिफिकली डब्ल्यू में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में इन दोनों ही कंट्रीज के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है एज़ पर दिस न्यूज़ तो दिस न्यूज़ इज ऑल अबाउट द कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन मल्टी फोरम डब्लू टी में किस तरीके से इंडिया और पाकिस्तान कॉर्डिनेट कर रहे हैं एक दूसरे से इन ऑर्डर टू अचीव द म्यूचुअल बेनिफिट्स और ये कैसे विजिबल हो रहा है अगर हम डब्ल्यू के फोरम या डब्ल्यू की वेबसाइट पर जाएँ डब्ल्यू टी के में इंडिया और पाकिस्तान के जो समिशंस रहे उनको देखें तो दोनों ही कंट्रीज़ ने लास्ट टू मंथ में पिछले दो महीनों में दो ज्वाइंट सबमिशन किए हैं एज अ को स्पॉन्सर इन डब्लू फोरम पहला सबमिशन तो जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में फ्लेक्सिबिलिटी को लेकर के अप्रॉक्सीमेटली 45-44 कंट्रीज ने सबमिशन किए थे जिसमें से इंडिया क्यूबा और 44 अफ्रीकन कंट्रीज़ से जिन्होंने ज्वाइंटली ये स्टेटमेंट सबमिट किया था डब्ल्यू में जहाँ पर आई को लेकर के फ्लेक्सिबिलिटी डिमांड करी थी डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए और हमने इस न्यूज़ को कवर भी किया है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ कई बार आईपीआर के वेवर को डिमांड करते हैं इन केस ऑफ वैक्सीनेशन एंड मेडिकल सर्विसेज तो उसी ग्रुप को पाकिस्तान ने ज्वाइन किया था इफ़ यू रिमेंबर हमने डिस्कस भी करी थी ये न्यूज़ कोविड नाइन्टीन पैंडमिक की जो वैक्सीन है उसको लेकर के ये सारे कंट्रीज फोर्टी फोर अफ्रीकन कंट्रीज इंडिया क्यूबा पाकिस्तान दे आर डिमांडिंग फ्लेक्सीबिलिटी इन आई पी आर सो दैट दे कैन एक्चुअली मैन्युफैक्चर कोविड नाइन्टीन वैक्सीन इन टू देर ओन कंट्री रादर देन बींग डिपेंडेंट ऑन एनी अदर मल्टी नेशनल कंपनी ये तो रहा पहला समीशन जो कि इंडिया और पाकिस्तान ने जॉइंटली किया था एज अ को स्पॉन्सर इसके बाद जुलाई में इसी सेम ग्रुप ऑफ कंट्री ने दोबारा से सबमिशन किया किस चीज़ को लेकर के कम्युनिकेशन टू डब्ल्यू टी ओ ऑन स्ट्रेंदनिंग द इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन टू प्रमोट द डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिवनेस तो रीजनल डेवलपमेंट को इंक्लूसिवनेस को प्रमोट करने के लिए इन सारे कंट्रीज़ ने जो कि जिन्होंने कोविड नाइन्टीन वैक्सीन में आई पी आर वेवर को लेकर के सबमिशन किया था उन्होंने दोबारा से जुलाई में एक सबमिशन किया है हालांकि ऑफिशियल्स का एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि पाकिस्तान को कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ हो चुका है कि पाकिस्तान इज नो लॉन्गर एग्रीकल्चर सुपर पावर तो वो अपने जो इंटरेस्ट हैं वो इंडिया से अलाइन कर रहा है क्योंकि उसके कहीं ना कहीं इंटरेस्ट और इंडिया के इंटरेस्ट कॉमन इंटरेस्ट है क्योंकि दोनों ही अड़ोसी पड़ोसी हैं नेबरिंग कंट्रीज हैं तो जो कॉमन इंटरेस्ट हैं वो मैच करते हैं इसीलिए जो पाकिस्तान है वो इंडिया का हाथ पकड़ रहा है मल्टीलैटरल फोरम्स में तो इससे पहले जो पाकिस्तान था वो अपने आप को एग्रीकल्चर सुपर पावर मानता था उसको लगता था कि उसका एग्रीकल्चर बहुत स्ट्रांग है और उसने केन ग्रुप ज्वाइन किया था व्हाट इज दिस ग्रुप ऑल अबाउट इट इज अ कोल्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपोर्टिंग नेशन केअर्न जिसको बोलते हैं हम और बेसिकली जो ये कंट्रीज़ हैं ये लॉबी करते हैं किस चीज़ के लिए एग्रीकल्चर ट्रेड लिबरलाइजेशन के लिए कौन कौन मेंबर हैं इसमें 19 मेंबर कंट्रीज़ हैं इस पर्टिकुलर के एन ग्रुप कौन अर्जेंटीना ऑस्ट्रेलिया ब्राज़ील कनाडा चिली कोलम्बिया कॉस्टोरिका इंडोनेशिया मलेशिया न्यूजीलैंड पाकिस्तान पेरू जैस कंट्रीज जो हैं नाइनटीन मेम्बर कंट्रीज़ दे आर एक्चुअली पार्ट ऑफ दिस के ग्रुप बेसिकली एग्रीकल्चर एक्सपोर्टिंग नेशंस हैं और जिस तरीके से पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डिप्लीट कर रहे हैं करेंसी डे कर रही है फिजिकल डेफिसिट वाइड हो रहा है करंट अकाउंट डेफिसिट वाइडन हो रहा है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक मेल्कडाउन पाकिस्तान में हो रहा है उसकी वजह से पाकिस्तान को रियलाइज़ होगा कि पाकिस्तान इज़ एक्चुअली नॉट फिटिंग इन दिस क्यूब और इसी वजह से नाव पाकिस्तान इज़ अलाइनिंग इट सेल विद द अनदर ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ और इसके साथ ही आईएमएफ से भी बेल आउट पैकेज के लिए नेगोशिएट कर रहा है पाकिस्तान सो इंडिया पाकिस्तान में अदर ग्रुपिंग्स जो कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट इज ज्यादा अलाइन है मोर स्पेसिफिकली जिसमें इंडिया भी मेम्बर है और इसकेर ग्रुप की तरह ही एक और ग्रुप था फ्रेंड्स ऑफ स्पेशल प्रोडक्ट्स इन एग्रीकल्चर तीन तैंतीस मेंबर कंट्रीज थे इसमें इट्स अ कोलिशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज प्रेशिंग फॉर फ्लेक्सिबिलिटी फॉर डेवलपिंग कंट्रीज टू अंडरटेक लिमिटेड मार्केट ओपनिंग इन एग्रीकल्चर तो इसमें भी पाकिस्तान अपना अपना रोल प्ले करना चाहता है हालांकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अगर डिस्प्यूट्स को देखा जाए तो कोई डायरेक्टली कोई बहुत ज्यादा डिस्प्यूट्स नहीं देखने को मिलते हैं डब्ल्यू में लेकिन इंडिया ने एक बहुत सिग्निफिकेंट डिस्प्यूट विन किया था 2003 में अगेंस्ट द ईयूज़ यूज डिस्क्रिमिनेट्री ड्यूटी फ्री एक्सेस एक्सपोर्ट फ्रॉम द पाकिस्तान सो ओवरऑल इंडिया और पाकिस्तान का जो कोलैबोरेशन है मल्टीलैट्रल फोरम्स में वो इंक्रीज होता जा रहा है और इसको देखते हुए एंटिसिपेट किया जा रहा है कि अगर ट्रेड रिलेशन इंप्रूव हो रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में तो प्रॉबेबली इसका इंपैक्ट हमें पॉलिटिकल रिलेशनशिप पर भी देखने को मिले अपकमिंग टाइम में तो ऑल दीज आर द स्पेकुलेशन देखना है कि फ्यूचर में क्या होगा आप देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स अदानीज टू स्टेप अपना एल्यूमिनियम प्ले मे गो फॉर प्रोडक्शन सो अदानी ग्रुप इज़ प्लानिंग बिगर दैन जस्ट सेटिंग अप द मेगा एल्युमिनियम रिफाइनरी तो फिलहाल के लिए अडानी ग्रुप इज़ नेगोशिएटिंग विद उड़ीसा गवर्नमेंट और एल्युमिनियम सेक्टर में एंट्री करने के लिए अडानी ग्रुप उड़ीसा गवर्नमेंट से नेगोशिएट कर रहा है हालांकि जो प्लान आया था देख सुनने में उससे ऐसा एंटिसपेट किया और भी बिगर प्लान है या और भी बड़ा प्लान है अडानी ग्रुप का अडानी ग्रुप इज़ बेसिकली ट्राइंग टू सेट द मेगा एल्युमिनीम रिफाइनरी और डिसेंट अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग हाई लेवल क्लियरेंस अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक हैड अप्रूव इट्स प्रपोजल फॉर टू प्रोजेक्ट्स जहां पर फोर मिलियन टन्स तो एनम इंटीग्रेटेड एल्यूमिनियम तो रिफाइनरी को तो लेकर के अप्रूवल मिला है अडानी ग्रुप को तो अडानी ग्रुप इज मेकिंग न्यू एंट्री इनटू एल्युमिनियम सेगमेंट एंड डेफिनेटली दिस विल हेल्प द इंडिया टू अटेन द सेल्फ सफिशिएंसी इन केस ऑफ एल्युमिनियम अब देख लेते हैं नेक्स्ट कॉमन चार्जर फॉर और मोबाइल डिवाइसेस ऑन कार्ड साइबर का गार्बेज या साइबर जो वेस्टेज है ये समय वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है इसी को देखते हुए कई सारे कंट्रीज हो गए अपने अपनी कंट्री में अपनी अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी में डिफरेंट डिफरेंट इनिशिएटिव ले रहे हैं और उसमें इंडिया भी आगे हैं रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स जो है वो इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव से मीटिंग कर रहे हैं किस चीज़ को लेकर के इस पॉसिबिलिटी को लेकर के क्या एक कॉमन चार्जर डिवाइस यूज करी जा सकती है फॉर ऑल टाइप्स ऑफ स्मार्टफोन्स टैबलेट्स एंड वेरेबल डिवाइस रादर देन हैविंग द डिफरेंट चार्जर फॉर एवरी डिवाइस क्या कि एक कॉमन डिवाइस एक कॉमन चार्जर बन सकता है सारी मोबाइल डिवाइस के लिए जिसमें स्मार्टफोन टैबलेट्स वेरेबल डिवाइस भी आए इनरिस्पेक्टिव ऑफ द ब्रांड इससे क्या होगा अगर ये मूव इंप्लीमेंट हो जाता है इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं कि ये फीजिबल है ये मीटिंग सक्सेसफुल होती है तो डेफिनेटली दिस मूव दिस मूव विल एक्चुअली

समरी है न्यूज़ की वो यही अब देख लेते हैं नेक्स्ट ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर बिजनेस इन इंडिया फिनटेक स्पेस यू के आई बी सी सो यू के इंडिया बिजनेस काउंसिल जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में यू के आई बी सी बोलते हैं एज़ पर द यू के आई बी सी रिपोर्ट इंडिया में trade, में ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड कोलेबोरेशन को देखते हुए मोर स्पेसिफिकली करंटली फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी फिनटेक सेक्टर में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी इसके अलावा फूड एंड बेवरेजेस इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट भी बहुत इमिस अपॉर्चुनिबलते हैं इमिस अपॉर्चुनिटीज ऑफर करता है किसके इलेक्ट्रोल इन्वेस्टमेंट और कोलाबोरेशन के लिए तो एज पर यू के आई बी सी इंडिया इज वन ऑफ द अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन इन केस ऑफ फिनटेक फूड एंड बेवरेजेस इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स तो एक रिपोर्ट पब्लिश करी है इस इंडस्ट्री लॉबी ग्रुप ने किसके साथ पार्टनर करके यूके इंटरनेशनल ट्रेड डिपार्टमेंट के साथ पार्टनर किया क्या नाम है इस रिपोर्ट का अपॉर्चुनिटीज फॉर यूके रीजन इन इंडिया एंड एनालिसिस ऑफ की सेक्टर्स फॉर कोलेबोरेशन तो इसका मतलब फूड बेवरेजेस फिनटेक और इलेक्ट्रिक के केस में ये कॉल किया गया कि इंडिया और यूके के बीच में कोलैबोरेशन इंप्रूव हो सकता है क्योंकि तीन सेक्टर ऐसे हैं जहां पर इंडिया में एनएफ अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है फॉर ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड यूके। सो ऑल दीज आर द रिपोर्ट्स ये एक्चुअली मेटेरलाइज होती है या नहीं ये दैट्स अ डिफरेंट मैटर ऑफ डिस्कशन अब देख लेते हैं नेक्स्ट स्लिप रिसेशन फियर बाइट एपल रिक्रूटर्स गेट द पिंक स्लिप Apple laid off many of its contract-based recruiters in past week, part of push to rein in tech giants हायरिंग the spending according to the people अवेयर अबाउट द मैटर यू एस इज ऑल अबाउट एट द वर्ड ऑफ बोलता U.S. is at the verge of recession. और कई सारे जो इकोनॉमिट है वो कह रहे हैं किस ए जो है वो रिसेसन में आ चुका है कि जिस तरीके से हमें बड़ी बड़ी कंपनीज में रिट्रेंशमेंट देखने को मिला, रहा है ले ऑफ देखने को मिल रहा है उसे कहा जा सकता है कि यू में फिलहाल के लिए रिसेशनरी हेडविंड जो हैं वो ब्लो कर रही हैं अभी रिसेंटली यू की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल ने भी अपने कई सारे कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड रिक्रूटर्स हैं लास्ट वीक उनको लेड ऑफ कर दिया तो अपनी हायरिंग और स्पेंडिंग को फिलहाल के लिए रिस्ट्रिक्ट करने के लिए एप्पल ने अप्रॉक्सीमेटली हंड्रेड कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं उनको लेड ऑफ किया है और इसी वजह से जो रिक्रूटर्स हैं एप्पल के जो बेसिकली एप्पल के बिहाफ़ पर रिक्रूट करते हैं उन रिक्रूटर्स को भी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जो रिक्रूटर्स हैं लास्ट उनको भी एप्पल ने लेट ऑफ कर दिया बिकॉज दिस रिक्रूटर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर हायरिंग एंड फायरिंग तो अब चूँकि फिलहाल के लिए जिस तरीके से इकोनॉमिक सिचुएशन है तो उस समय कंपनीज जो, तो uh, जो, जो, जो है वो अपनी कॉस्ट कटिंग पर जा रही तो कॉस्ट कटिंग के लिए रिक्रूटर्स को भी लेड ऑफ कर दिया और जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं उसमें उनको कुछ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को भी पिंक स्लिप पिंक स्लिप मीन्स उनको रिफ्रेंशमेंट के नोटिस जो हैं वो मिल गए सो दिस इज़ द एप्पल वर्क सो एप्पल इज गोइंग ऑन रोलर कोस्टर राइट शेयर प्राइस भी उसी तरीके से रोलर कोस्टर राइट पर चले गए हैं सो लेट्स सी कि ये जो रिट्रेंचमेंट का ट्रेंड चला है पहले मास रेजिग्नेशन का ट्रेंड चला था अब रिट्रेंचमेंट का जो ट्रेंड लेट ऑफ का जो ट्रेंड चला है वो कब तक कंटिन्यू रहता है कब ये इकोनॉमिक सिचुएशन जो ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन है कब ये नॉर्मलाइज होती है तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स इफ यू वॉन्ट लैक पी डी एफ यू कैन जॉइन माई टेलीग्राम चैनल यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी एंसर देशन प्लीज़ राइट एंड कॉमेंट सेक्शन बिलो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू नाइस डे